जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका आभार है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको सकारात्मक ज्योतिष और राशियों के बारे में जो सकारात्मक बातें हैं हम वो बतलाते हैं, और उससे आपको मोटिवेट अप होते रहें और आप हमेशा खुश रहें। बस यही हमारे प्रयास हैं। उसी तत्वादान में आज हम बात करने वाले हैं कि शत्रु से सावधान आपकी राशि के लिए। देखिए दोस्तों, आज का जो युग है इसमें शत्रु होना कोई बड़ी बात नहीं है। हर किसी व्यक्ति के कोई ना कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शत्रु होते हैं, और शत्रु की सबसे पहली है आवश्यकताएँ जो हमारी हैं, इच्छाएँ और द्वेष। हम किसी से द्वेष कर लेते हैं, हमारी इच्छाएँ बहुत ज़्यादा होती है और उन इच्छाओं के आड़े वो आता है तो शत्रु हो जाता है, या वो धोखा कर दे, ये धोखा कर दे, और कई सारे कारण होकर कोई व्यक्ति हमारा शत्रु बन जाता है। तो शत्रुओं से सावधान रहने की बात मैं इसलिए इस वीडियो में कर रहा हूँ कि शत्रुता, हम ऐसा काम करें ही नहीं कि शत्रु हमारा कोई बने, हम ऐसा काम करें ही नहीं। और ज़्यादातर जो शत्रुता होती है उसके मैं रीज़न भी आपको बताता हूँ। सबसे पहला है वाणी। हम कब किसे क्या बोलना चाहिए इस बात को लेकर चिंतित नहीं रहते और कुछ भी बोल देते, और व्यक्ति जो शब्द है तीर है, और जब किसी व्यक्ति को शब्दों का बुरा लगा होता है या आपके कहने का तरीका कुछ अलग होता है, और वक्त जो है हमेशा बदलाव का होता है दोस्तों, वक्त हमेशा बदलता रहता है, आज जो है वो हमेशा नहीं रहेगा, कभी वो ऊपर कभी हम नीचे, ये अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो ये बात हमेशा जहन में रखें कि आज जो है वो हमेशा नहीं रहेगा। और शत्रुता के लिए मैं दोषी खुद को ठहराता हूँ। देखिए, कुछ कारण है जिसमें कई बार हम समझ नहीं पाते, और हम समझ नहीं पाते या सामने वाले और हमारे बीच में कुछ बातों को लेकर मतभेद होता है, दोनों के बीच मिसकम्युनिकेशन को मैं सबसे पहली बात है। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति से आपकी शत्रुता है तो अगर दोनों के बीच कोई मिसकम्युनिकेशन है तो उसे सही आप कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तीसरी बात है कि हमेशा शत्रुता के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, कोई तीसरा व्यक्ति आपको आके बताएगा किसी अन्य के बारे में कि वो आपके बारे में ऐसी बात कह रहा था। तो इन बातों पर कच्चे कान के लोग, इन्हें मैं कहता हूँ, आपको कच्चे कान के नहीं होना है। कौन क्या कह रहा है, किस संदर्भ में कह रहा है, ये आपको नहीं पता है। आपने उसके मुंह से सुना वो जो चाहता है कि इन दोनों के बीच शत्रुता हो जाए, और शत्रुता हो जाती है। तो एक बार क्लियर करें कि क्या सही है क्या गलत है तो आप दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कई बार सिर्फ सामान्य सी बातों में विवाद हो जाता है। चौथी बात होती है कि किसी भी मुद्दे को समझे। कई बार शत्रुता में ये होता है कि किसी अन्य का झगड़ा है, किसी अन्य की तकलीफें हैं, वो हमें बताता है और वो उसकी परेशानी बताता है। हम उस परेशानी पर ये ऑब्जर्व नहीं करते हैं कि ये वास्तव में परेशान क्यों है, कहाँ पर तकलीफ है। कोई भी घटना का आप सही तरीके से अच्छे से ऑब्जर्वेशन करें और फिर ही निर्णय लें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल तरी आया और आप बिना तैयारी के चले गए, या बिना तैयारी से मेरा मतलब है कि आपको सही जानकारी पता नहीं है, सामने वाले की क्या परेशानी, इन दोनों के बीच क्या टकराव है, किन बातों के लेकर विवाद है। तो ये एक बहुत बड़ा शत्रुता आपकी राशि के लिए, आपके लोगों के लिए होने की एक परेशानी है, तो इसे भी आप समझेंगे। अन्य बात है दोस्तों, ईश्वर की कृपा, जो मैं हमेशा आपको निवेदन में कहता हूँ, ईश्वर से, ईश्वर का नाम लेते रहे, और ईश्वर ही सत्य है। दोस्तों, कोई भी ऐसा काम ना करें कि हमें किसी के साथ शत्रुता हो। बातचीत से सुलह का रास्ता हमेशा खुला रखें, बातचीत करते रहें और मुद्दों को शांति से सुलह करते रहें, क्योंकि उसमें आपके लिए फ़ायदा है, आपके परिवार के लिए, और शांति जो है बातचीत ही सबसे अच्छा रास्ता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।